आज मैं आपके साथ है ना एमपी की एक जबरदस्त घटना लेके आया हूँ, शानदार, आप सुनेंगे ताजुब रह जाएंगे। एक व्यक्ति एक बार शादी के लिए निकला और जैसे वो गांव पार कर रहा था उसकी गाड़ी खराब हो गई, और गाड़ी खराब हुई तो वहां गाड़ी रुकी, वो मैकेनिक को बुलाया, यार मेरी गाड़ी ठीक करो, मुझे शादी में जाना है। वो जैसे ही ठीक कर रहा था उतने में देखता है कि शानदार एक मर्सिडीज आई और आई, और वो गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के पास आके उसने वहां पे गुड़ बांटना चालू किया। तो जनरली सब गुड़ गायों को डालते ही है, उसने जैसे ही गुड़ डाला बहुत सारी गाय वहां से आ गई। और वो पर ये अपने दुनिया में देखते भी है, बहुत लोग गायों को गुड़ खिलाते भी है, वो चल ही रहा था। अब इसकी गाड़ी इधर ठीक हो रही है, ये देख रहा है कि 15 मिनट हुई 20 मिनट हुई सेठ गुड़ खिलाने के बाद भी सेठ सरका नहीं वहां से, बोले यार गजब आदमी है। आधे घंटे बाद देखता है कि जब गाय पूरा खा गई तो वो सेठ खुद जाके जो बचे हुए गुड़ था ना वो खाने लगा। तो वो एकदम सरप्राइजिंग चीज थी, तो उससे रहा नहीं गया, तो वो गया, वो जाके उसको बोला कि सर आप एक बुरा नहीं मानते कि आपसे सवाल पूछूं, आप इतने बड़े आदमी मर्सिडीज में घूम रहे हो और ये नीचे जो गाय का गुड़ का जो बचा हुआ है वो खा रहे हो। बोले कोई बात नहीं, नहीं नहीं बस सर कुछ तो बात है, अभी मेरे मन में ही बात रह जाएगी। तो बोले दोस्त ऐसा है कि आज से 35 साल पहले मैं बहुत तकलीफ में था, और तकलीफ ऐसी कि खाने के बांधे पड़ रहे थे, और मुझे कहीं भी न तो नौकरी थी न खाने की तकलीफ थी। तब मैं ना गांव में घूम घूम के इधर इसी पेड़ के नीचे आके बैठा था, तब एक सेठ इधर आए और गाय के लिए गुड़ डाला और वो सेठ डाल के चले गए। इतने में गाय आई, मैं बैठा हुआ था, पर गायों ने वो गुड़ खाया नहीं। 15 मिनट 20 मिनट वो गाय वहां से सब गाय वहां से चली गई, और जो बचा हुआ गुड़ था वो मैंने पूरा का पूरा गुड़ मैंने खाया। वो ऐसा एक नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, लगातार 6 से 7 दिन तक चला कि मेरे को कहीं धंधा नहीं था और मेरे को खाने को नहीं था, और सेठ जो गुड़ डालते थे ना वो गाय खाती नहीं थी और मुझे खाना पड़ रहा था, और उससे मेरा तृप्ति। और 7वें दिन चमत्कार हुआ कि मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल गया। तो मुझे एक मन में आई, मेरे मन में आई कि यार मैं जाके वापिस गाय को गुड़ डालूं, और जैसे ही मैं गाय को गुड़ डाला तो वो गाय खाने लग गई। तेरी मेरी आंखें खुल गई यार, ये 6 दिन से नहीं खा रही थी, इनको मेरी तकलीफ मालूम पड़ रही थी कि ये आदमी भूखा है, और वो खा नहीं रही थी, और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये आदमी के पास तरस है, तो गाय उस आदमी ने बोला उस दिन से आज 35 साल हो गया मैं रोज गाय को गुड़ डालने आता हूँ, और रोज है ना गाय को गुड़ डिलाता हूँ, और इनका खाया हुआ जो खाता हूँ ना तो मेरी है ना, मेरी जो बरकत बोलते हैं ना, मेरे जो दुनिया में जो मेरे जीवन में जो खुशी है ना इनका गाया हुआ गुड़ खाने से हो रही है। तो जीवन में है ना बॉस, माँ के दूध के बाद अगर कोई सबसे बढ़िया अगर कोई दूध है ना तो वो गाय का है। और गाय की कैसी है बॉस, आप अंदाजा लगाइए कि गाय का दूध अगर एक ग्लास भी आप पी लेते हो ना तो जो जीवन में B12 की जो कमी होती है ना, सिर्फ 2 ग्लास आपने दूध पी लिया तो जिंदगी भर आपको B12 की प्रॉब्लम नहीं आती, कैंसर वगैरह 50 बीमारियां ऐसी खाली गाय का दूध पीने से नहीं होती है। तो बोलो गौ माता की जय।